प्रियंका चोपड़ा को लेकर इन दिनों एक बात तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ये बात अमेरिकी कॉमेडियन रोजी ओडोनेल और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की एक मुलाकात की है, जिसमें रोजी को एक्ट्रेस को लेकर एक गलत फहमी हो जाती है कि वो मशहूर राइटर दीपक चोपड़ा की बेटी है। जब उन्होंने इस बात की जानकारी खुद प्रियंका से ली, तब उन्हें पता चला कि इनका सिर्फ सरनेम एक है, दीपक चोपड़ा एक्ट्रेस के पिता नहीं है। इस बात को लेकर रोजी को बुरा लगता है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर सारी दास्तां शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा से माफी मांगती नजर आई। आपको बता दें कि कॉमेडियन रोजी ओडोनेल ने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दो वीडियो शेयर की हैं, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं कि मैं, मेरे बेटे और मेरे पार्टनर ने निक और प्रियंका को डेट पर देखा था। हमारे बगल में निक जोनस और उनकी पत्नी कोई चोपड़ा बैठी थी, जिसे मैं हमेशा दीपक चोपड़ा की बेटी मानती थी। मैंने कहा कि मैं आपके पिता को जानती हूँ, जिस पर प्रियंका कहती है, ओ सच में, मेरे पिता कौन है? मैंने कहा दीपक। उन्होंने कहा नहीं, और चोपड़ा एक आम सरनेम है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आपको बताते चले कि रोजी आगे कहती है, क्या मैं अकेली थी जिसे हमेशा लगता था कि प्रियंका दीपक की बेटी है? इस पर उनके फैंस को लगा कि वो शर्मिंदा है, उन्होंने इस पर उन्हें परेशान न होने की सलाह दी। वहीं रोजी दूसरे वीडियो में कहती नजर आ रही है कि लोगों ने सोचा था ये सिर्फ अजीब था, जाहिर तौर पर वह एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और उनसे काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि शुरुआत में उन्हें ये अजीब लगा होगा। रोजी ने स्पष्ट रूप से फिर से प्रियंका का नाम बताया और गड़बड़ी के लिए माफी मांगी। माफ करना, कभी कभी मैं गड़बड़ कर देती हूँ। वैसे प्रियंका के पिता का नाम दिवंगत डॉक्टर अशोक चोपड़ा है। ये वीडियो जब से रोजी ने शेयर की है, तब से तेजी से वायरल हो रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।